हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा। ऐसा कोरमा किसको पसंद नहीं है, चलिए बनाते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा चिकन कोरमा रेडी हुआ है, चलिए बनाएं। आप कहो कि तो मैं बनाऊंगी, चलिए चलिए बना लेते हैं। इस ऐसा कोरमा अपने मेहमान और ये गेस्ट को खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देख लीजिए कितना अच्छा सा मैंने कोरमा, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं किचन में। यहाँ पर मैंने चिकन को हमने पानी डाल के चिकन ले लिया है, चिकन को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और यहाँ इसकी ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने देख लीजिए कौन कौन से ड्राई फ्रूट लिए हैं। और यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर भी ले लिया है, जीरा भी लिया और खुशबू भी ले ली है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रेड प्याली में लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 3-4 प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको हम गुलाबी करेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, इसे फिर बाद में कम कर देंगे। यहाँ पे इसे फिर प्याज को गुलाबी करने के लिए हमने ज़्यादा लिया था। और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट को हम कद्दूकस कर, ड्राई फ्रूट को हम मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पे हम अपनी प्याज को गुलाबी कर रहे हैं, प्याज को ज़्यादा गुलाबी नहीं करना है, ज़्यादा गुलाबी करने से प्याज जल जाएगी, इसलिए इसे अब इतना ही इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट का भी पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमारी प्याज भी रेडी हो गई है, देख लीजिए इस तरह से कम या ज़्यादा प्याज का कलर हो सकता है, आप अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम प्याज को भी, हम इसको भी मिक्सी ग्राइंडर में ठंडा करके पीस लेते हैं। तेल जो हमने प्याज फ्राई की थी ना, तो ये उसका तेल बचा हुआ है, इसमें हम डाल देते हैं खुशबू, जायफल, जावित्री, सफ़ेद इलायची, तेज़पात और ज़ीरा। इसको 2 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के बाद इसे यहाँ पे हमने चिकन को भी डाल दिया है फ्राई करने के लिए। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। इसे 5 मिनट तक चलाते रहना है। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून दही। दही ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, वैसे तो मैं डालती हूँ, आप भी डालना तभी फ्लेवर अच्छा आएगा। यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट तैयार किया था वो भी डाल दिया है फ्रेंड्स। इस तरह से आप 5 मिनट तक चलाते रहना है। ड्राई फ्रूट का भी पेस्ट डाल दिया है, जैसे नारियल और काजू और चिरौंजी और खरबूजे के मींगे वगैरह का जो पेस्ट तैयार किया था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। इसे 5 मिनट तक पकाते हैं और नमक भी डाल दिया है। अब हम इसे जो हमने प्याज फ्राई की थी वो भी हम ड्राई मतलब पीस लेते हैं मिक्सी ग्राइंडर में। ड्राई फ्रूट के पेस्ट को हमने 5-10 मिनट तक कर लिया था। अब हमने हमें जो प्याज गुलाबी की थी, ग्राइंड की थी, ये भी डाल देते हैं, इसे भी मिक्स कर देते हैं।
चिकन कोरमा अच्छे से भुन रहा है। मसाला भुन गया है, इसमें हम पाइना लेते हैं, मोरा को लेते हैं, इसको हम जब भूनते हैं। हमारा कोरमा रेडी हो गया है, देख लीजिए कितना अच्छा सा हमारा कोरमा रेडी हुआ है। चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं हमारा कोरमा कैसा हुआ है।